नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। पांचजन्य का आरोप, दिल्ली में राष्ट्र विरोधी ताकतों का अड्डा बना जेएनयू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य में आरोप लगाया गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय एक विशाल राष्ट्र विरोधी समूह का अड्डा है, जिसका उद्देश्य भारत का विघटन करना है। मुखपत्र के आमुख लेख में दावा किया गया है कि जेएनयू के नक्सल समर्थक छात्र संघों ने वर्ष 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 75 जवानों की मौत का खुलेआम ने मनाया था। ये सब जेएनयू प्रशासन की नाक के नीचे हुआ था। इसमें आरोप लगाया गया है कि जेएनयू नियमित रूप से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का आयोजन करता है। छोटा राजन का बड़ा आरोप, मुंबई पुलिस दाऊद से मिली हुई है। दाऊद के साथ मुंबई हमले के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी दाऊद इब्राहिम से मिले हुए हैं। मुंबई पुलिस ने मुझ पर काफी अत्याचार किए हैं, मुझे दिल्ली पुलिस से न्याय की उम्मीद है। इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार हुए छोटा राजन ने मुंबई पुलिस पर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। उसने कहा कि सरकार मुझे जहां भी रखना चाहे स्वतंत्र है। छोटा राजन ने कहा कि मैं दाऊद से नहीं डरता, पिछले 20 सालों से मैं दाऊद से लड़ रहा हूं और मेरी जान को दाऊद के गुर्गों से कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान ने हाफिज सईद को आतंकी माना, लगाई मीडिया कवरेज पर रोक। पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया के खूंखार आतंकवादी सरगना हाफिज सईद को खतरा बताते हुए उस पर नकेल कस दी है। पाकिस्तान में मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकवादी हाफिज सईद की अगुवाई वाले जमात उद दावा समेत तीन आतंकी संगठनों के मीडिया कवरेज पर रोक लगा दी गई है। अब इस संगठन के आतंकी मीडिया पर जहर नहीं उगल सकेंगे। पाकिस्तान ने माना कि जमात उद दावा के मुखिया हाफिज सईद के संबंध आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े हुए हैं, जिसके आतंकियों ने दहशत का माहौल बना रखा है। पाक गृह मंत्रालय ने जमात उद दावा के अलावा फलह ए इंसानियत और लश्कर ए तैयबा के मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाई है।